गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ टाइम को स्पेंड करते हुए अपने जिंदगी में कुछ बेहतर प्लान कर रहे होंगे अपने लाइफ में कुछ अच्छे के लिए। दोस्तों, आज मैं आपका होस्ट हूं और मैं आज आपको स्वागत करता हूं एक बेहतरीन सेशन में, जिसका नाम है आज का बहुत अच्छा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। दोस्तों, उससे पहले मैं मेरा नाम आपको इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा। मेरा नाम बिमल बिमल कुमार गौड़ा, बाई प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ। उसके साथ साथ ये खूबसूरत आज जो मीटिंग है उसका मैं पार्ट हूँ दोस्तों, जिसका नाम है मोदी केयर। यस दोस्तों, तो चलिए आज का जो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को, तो पहले से हम बताने वाले हैं दोस्तों, जितने भी आज हमारे साथ जो गेस्ट है, लीडर्स है, होस्ट है, जो भी है, उनके लिए आज जिसका भी हैप्पी बर्थडे है, हम हमारे तरफ से और पूरी मोदी के परिवार के तरफ से उनको मेनी मेनी हैप्पी बर्थडे टू यू। दोस्तों, इससे आगे बढ़ते हैं और जो भी आज हमारे बीच में है, जिन लोगों का भी आज मैरिज एनिवर्सरी है, जो कि स्पेशल डे है उनका, उन सभी लोगों के लिए हम अपने तरफ से और मोदी केयर की तरफ से, मोदी केयर लीडरशिप की तरफ से एक मेनी मेनी हैप्पी एनिवर्सरी। आई एम ऑडिबल सर? यस, लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच। तो आज मैं सारे लीडर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो सेशन को ओपन माइंड में सुनिए, और जितने भी हमारे जो लास्ट मंथ का जो लीडर्स जो कंग्रेचुलेशन किए गए हैं, जो आपने जिंदगी में एक एक स्टेप अचीवमेंट किए हैं, 7 से लेकर 16% तक, और डायरेक्ट से लेके जीवित तक जो उन्होंने अचीवमेंट किया है अपने गोल को, अपने टारगेट को, अपने अचीवमेंट को, तो हमारे सबके तरफ से और मोदी के मैनेजमेंट की तरफ से और हमारे पूरे उड़ीसा लीडर्स की तरफ से उनको मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन और सबको बधाई देते हैं हम, और आगे बढ़ने के लिए हम कोशिश करते हैं उनको और सबके लिए ब्लेस है। दोस्तों, तो चलिए इस सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं एक बेहतरीन पर्सनालिटी को आपके सामने रूबरू कराऊंगा, जो कि आज के समय में हिंदुस्तान डायरेक्टिंग सेलिंग के अंदर उनका नाम के लिए जाना जाते हैं। दोस्तों, एक लेजेंडरी लीडर है दोस्तों, और उन्होंने अपने जिंदगी में जीरो से स्टार्ट किए हैं और आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर वो हीरो बन चुके हैं और लाखों लोगों के जिंदगी को वो बदल चुके हैं। दोस्तों, अपने लाइफ को बदला और लाखों लोगों के लाइफ को बदल चुके हैं। दोस्तों, कोई भी इंसान अगर उनके जिंदगी में उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन फील कर सकता है दोस्तों। और आज वो मोदी कर में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उनको जाना जाता है दोस्तों, और लीजेंडर लीडर दोस्तों, और हम सबके मेंटर है और हमारे आइडियल है दोस्तों। ऑल ओवर इंडिया में उनको जाना जाता है दोस्तों, और बहुत सारे लोगों का प्रेरणा स्रोत हो, और मुझे आज मौका मिला है और उतनी बड़े शख्सियत को इतने बड़े प्लेटफॉर्म में इनवाइट करने के लिए दोस्तों। तो मैं गढ़ को थैंक्स करता हूँ, मेरे सारे अपलाइन को थैंक्स करता हूँ, मुझे ये मौका मिला है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस उन इंसान को आपके सामने बुलाने के लिए। और आज हम वो सारे लोगों के बारे में हम जानेंगे, उनके क्वेश्चन आंसर सेशन के बारे में हम जानेंगे, कैसे कैसे उन्होंने अपने जिंदगी में आगे बढ़े, और उनसे हमको मिलेगा कि कैसे कैसे हम अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो कोई और नहीं है, ऐसे एक हम्बल पर्सनालिटी, ऐसे एक डायनामिक पर्सनालिटी, और पूरे ऑल ओवर इंडिया के उनको जाने जाते हैं दोस्तों, और मोदी केयर के अंदर ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर पोस्ट में है। और मैं इनवाइट करूंगा, आप सभी के तहे दिल से स्वागत करिए एक जबरदस्त ताली के साथ, हम सबके अपलाइन, हम सबके मेंटर, हम सबके गुरु, हम सबके आइडियल और इंडिया का लवेबल आइकन है दोस्तों, ननर ऑनरेबल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर और हमारे सबके हीरो मिस्टर प्रमोद आचार्य सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच विमल जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। गुड मॉर्निंग कर मॉर्निंग दोस्तों, गुड हम सब जानते हैं कि हर गुरुवार का दिन कुछ ना कुछ इवेंट होते रहते हैं यहाँ, और ये इवेंट करने का सिर्फ एक मकसद है, सिर्फ एक मकसद, ताकि लोगों की जिंदगी में कुछ बदलाव आ सके। दोस्तों, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि ये नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में मोदी का बिजनेस के जरिए जिंदगी की हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, और जिंदगी में जो भी सपना है, छोटे मोटे जो भी सपने हैं, हर सपना पूरा हो सकता है आने वाले 2 से 5 साल 10 साल के बीच में। मगर यह भी देखा गया है बिजनेस में, जैसे मैं हर साल भी हर टाइम भी बताना चाहता हूँ, बताता हूँ, हर मीटिंग में बोलता हूँ, ये ऐसे कि बिजनेस है जिंदगी के तो हर चीज दिलाएगा, मगर यहाँ रातों रात अमीर बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इट्स ए बिजनेस लाइक अदर बिजनेस, इफ यू डू दिस बिजनेस देन यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी, राइट? तो दोस्तों, आज आपको इसलिए ये बात बताया क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं ये बिजनेस में,
पता नहीं उनके दिमाग में क्या क्या सवाल आता है, और उन्होंने बिजनेस को ना समझने से पहले, प्रोडक्ट यूज करने से पहले बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो इसीलिए रखा गया कि क्वेश्चन आंसर सेशन, सो दैट अगर किसका मन में कोई सवाल होगा तो वो सवाल की जवाब अगर उसको मिल गया, हो सकता है आज का दिन उसका जिंदगी की एक परिवर्तन दिन भी बन सकता है, राइट। तो दोस्तों आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सबके पास पेन पेपर रेडी होना चाहिए, हर टाइम की तरह बताना चाहता हूँ, पेन पेपर एंड पेन ऐसा रेडी होना चाहिए आपके पास। क्या पता अभी जो सेशन चलेगा किसका मुंह से कौन सा आंसर आपको अच्छा लगेगा जो आपको जिंदगी बदलने की मदद कर सकता है। तो दोस्तों चलिए पहले मैं आज का जो स्पीकर से, तो क्वेश्चन आंसर तो बहुत कुछ है बिकॉज बहुत सारी लोगों की जो सवाल है, तो आज मैं उसका बारे में उन लोग का सवाल पूछूंगा, मगर उन्होंने बहुत डायनामिक है, लेट मी इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, एक एक करके मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ आज का स्पीकर का। तो सबसे पहले मेरा खुशी है ये मिस्टर चितरंजन मोहंती, ही इज ए डॉक्टर, आज ए ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है मोदी के आर्मी, हिज फ्रॉम ओडिशा, एंड आज उन्हें और उनका साथ उनका टीम की जो क्राउन से उन लोग की मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। द नेक्स्ट स्पीकर इज सुशांत जी, द नेक्स्ट स्पीकर इज मिस्टर मुबारक फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, राइट। सो दिस इज क्राउन डायमंड डायरेक्टर, देन मिस्टर संतोष यादव जी, ये भी नॉर्थ इंडिया से हैं, ये भी क्राउन डायमंड डायरेक्टर है। देन नेक्स्ट वन इज मिस्टर संजय साहू, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इनका, ये भी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इनको जब सारे बताएंगे ना उनका ध्यान से उनको सुन लीजिएगा, राइट। देन नेक्स्ट मैन इज मिस्टर सबंती एंड मिस्टर हलदर प्रधान, इनका भी स्टोरी इतना खास है, इतना स्पेशल है इनका स्टोरी, जिंदगी की कहानी, वो भी हो सकता है इनकी स्टोरी सुन के आपका जिंदगी बदला आ सकता है। एंड द नेक्स्ट स्पीकर इज वन ऑफ द लवेबल एंड मोस्ट डायनामिक मैन, वेरी वेरी डेडिकेटेड हार्ड वर्किंग मैन, मिसेस शोभा रानी एंड मिस्टर विनोद बारिक जी। दोस्तों आज ये सबका आज का दिन का स्पीकर है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, लेट अस गिव बिग बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम टू वेलकम देम, राइट। सो नाउ अभी पहला चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, अभी पहले हम लोग सुनेंगे उनका टेस्टिमोनी, यानी कि उनका बैकग्राउंड क्या है, नाम क्या है, और क्या करते हैं, क्यों आए थे बिजनेस को, और क्या क्या उनका जिंदगी में मिला मोदी कर के जरिए से। सो लेट्स वेलकम, सबसे पहले मैं सुनना चाहूंगा डॉक्टर चितरंजन महांती जी से। डॉक्टर जी, डॉक्टर चितरंजन महांती जी, नाउ स्क्रीन इज योर्स, फ्रेंड्स प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज। यस सर, प्लीज सर, प्लीज सर, चितरंजन महांती, पिछले जिंदगी में जो जो हुआ है, तो बचपन से तो मिडिल क्लास फैमिली से मैंने बिलोंग करता था, और बचपन में बहुत सारी इच्छा था बड़े होने के लिए, लेकिन बड़े होने के बाद मैंने भी क्लिनिक किया, डॉक्टर क्या होम्योपैथी का करने के बाद क्लिनिक किया, 90 से 99 तक क्लिनिक किया, 99 में साइक्लोन आया, सुपर साइक्लोन, उस समय बहुत सारे लोगों का देहांत हो गया था, घर नहीं था, और इस समय मेरा दिमाग में आया मेरा क्लिनिक को कैसे फ्री किया जाए, तो फ्री में दवाई देना शुरू कर दिया। उसके बाद पैसा कैसे आएगा, परिवार को चलाने के लिए कैसा कुछ गुजारना मैटर न करना पड़ेगा, फिर इसी सोच के साथ मैंने एक बार मोदी केयर में ज्वाइन किया था, लेकिन उस समय मेरे को इतना सफलता नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद मेरे के बड़े भाई हैं, मेरे को LIC एजेंसी दिए, LIC एजेंसी लिया, फिर उसके साथ साथ धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन LIC में बहुत काम करना पड़ता था खुद को, फिर और एक बार मैंने नेटवर्किंग मार्केटिंग में ज्वाइन किया, और बीच बीच में प्रमोद सर के साथ मेरा बात होता था, वो मेरे को बोलते थे तुमको नेटवर्किंग मार्केटिंग छोड़ना नहीं, तो नेटवर्क मार्केटिंग करने के बाद मैंने फिर और एक बार, फिर 2015 जून 1 को मैंने फिर और एक बार दोबारा मैंने ज्वाइन किया मोदी केयर में, और जो पैसिव इनकम, जो सिक्योर्ड इनकम मेरे को चाहिए था और ऐसे नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैंने फिर और एक बार मैंने खुद जाके मोदी केयर में ज्वाइन किया, और आज मेरा पास कार है, फॉरेन ट्रिप मैंने अचीव किया हूँ, मेरा दो बेटा को लेके गया हूँ, आज मैं अभी 1.5 करोड़ का घर अभी बना रहा हूँ, ये प्लानिंग है मेरा, अभी 25 लाख इनकम के लिए मैंने आगे सोच रहा हूँ, और ये जो अपॉर्चुनिटी मेरे को मिला मेरे अपलाइन मिस्टर प्रमोद आचार्य से, मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, भगवान जैसा मानता हूँ, क्योंकि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे के मेरा लाइफ को चेंज कर दी और मेरा सपना को बड़ा कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्ते। गीता जी, थैंक यू सो मच। विनोद जी, शोभा जी, मैं थोड़ा आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ, शोभा मैम, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ शोभा रणधर फ्रॉम केंद्रापड़ा, प्रीवियस प्रोफेशन था टीचरशिप,
जब पहले मैं इस प्रोडक्ट का डेमो देखा था मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था। प्रोडक्ट को डेमो देखने के बाद मैं ये प्रोडक्ट को मेरे फैमिली में यूज किया और प्रोडक्ट मेरे को इतना अच्छा लगा और मेरे को लगा ये प्रोडक्ट को लेकर मेरे अंदर एक विश्वास आई। देन मैं 3 महीने के बाद यार प्लान समझा और प्लान को समझने के बाद मेरे को लगा जो मेरे लाइफ में जो जो चाहिए ये प्लेटफॉर्म से पूरा हो सकता है। देन मैं आगे बिजनेस को पार्ट टाइम में शुरू किया। जो मेरे पहला अचीवमेंट था जो मैं खुद को एक होंडा एक्टिवा स्कूटी गिफ्ट किया हूँ। देन मेरे जो सेकेंड ड्रीम था वो था ऑलरेडी फॉरेन ड्रीम में मैं अचीव किया हूँ। देन मेरा जो थर्ड ड्रीम था वो 9 लाख का कार मेरे फैमिली को ऑलरेडी गिफ्ट किया हूँ। इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे सभी ऑफलाइन को और मिस्टर समीर मोदी सर को और बेस्ट धन्यवाद चाहूँगा हमारा जो मोदी केयर मैनेजमेंट सिस्टम को। थैंक यू सर। थैंक यू गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू हमें आज एक मौका देने के लिए इतने लोगों के सामने एक परिचय हमारा आपने किया तो थैंक यू वेरी मच। मैं अपने बारे में सर बताना चाहूँगा, मैं ओडिशा से कटक का एक छोटे से शहर है वहाँ से रहने वाला हूँ। इस बिजनेस को मैंने 2015 में ज्वाइन किया और इससे पहले भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता था और उससे पहले मैं एक फार्मासी स्टूडेंट था, बाय प्रोफेशन एक फार्मासी स्टूडेंट था। तो स्टूडेंट लाइफ में मुझे ये सिलसिला आया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ा। और मोदी केयर में क्यों जुड़ा था, मोदी केयर एक्चुअली में सर एक फाइनेंशियल क्राइसिस उस वक्त था 2015 में और मैं जुड़ा था 25,000 से 30,000 का एक स्टेबल इनकम लेने के लिए। सिर्फ इतना मेरा टारगेट था जिसलिए मैं मोदी केयर को जुड़ा। और शुरुआत हुआ, शुरुआत में बहुत सारा चैलेंजेस आया मगर मैंने ट्रेनिंग मीटिंग में बैठा और सीखा और उससे आगे बढ़ा। और फिर जब नेक्स्ट हम चले तो नेक्स्ट मैं मोदी केयर से क्या मेरा अभी तक का अचीवमेंट हो चुका है। तो सर जब शुरू हुआ था 2015 अगस्त से तो 654 रुपये से शुरू हुआ था। आज अगर इनकम की बात करूं तो लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए का हर महीने का मंथली इनकम मैं ले रहा हूं। इस 5 से 5.5 साल के अंदर 2 गाड़ियां ले चुका हूं और जो सबसे बड़ी कई सारा फॉरेन ट्रिप भी हो चुका है मगर जो सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा हुआ है मेरे लाइफ में वो है कि मैं अकेला आया था यहाँ पर 25 से 30 हज़ार इनकम करने के लिए मगर आज मेरे टीम में लगभग 30 से ज़्यादा कार अचीवर हैं और लाखों के इनकम में लगभग 6 से 7 लोग ऐसे हैं जो कि लाखों से ज़्यादा इनकम ले रहे हैं और 15-20 हज़ार बहुत सारे लोग। तो ये सारा धन्यवाद मैं देना चाहूँगा मेरे ग्रेट मेंटर्स डॉक्टर चित्रंजन महंती, प्रमोद आचार्य सर और मोदी केयर सिस्टम को, जो सिस्टम की ताकत है कि मुझे एक आम से यहाँ खास लाइफ तक ट्रांसफर कर दिया। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। थैंक यू विनोद जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है ना, ये खुद कमाते हैं तो 3-4 लाख कमा लेते हैं, उसके नीचे भी लोगों ने लाखों में कमाते हैं दोस्तों। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्पीकर से सुनते हैं। नाउ आई रिक्वेस्ट मिसेस एंड मिस्टर हलधर प्रधान एंड अवंती प्रधान। अवंती मैम एंड हलधर प्रधान जी प्लीज थोड़ा आपके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। हलधर जी सर, गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग ऑल मोदी केयरर्स। मैं हलधर प्रधान हूँ, जाजपुर उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मोदी केयर से पहले मेरा एक छोटा सा किराना स्टोर था, उसे 8 से 10 हज़ार इनकम हो रहा था। इसी इनकम से मेरा परिवार चलाने के लिए सफिशिएंट नहीं था, इसलिए मैं एक अपॉर्चुनिटी तलाश में था। उसी टाइम से मेरा को मोदी केयर मिला। शुरू में तो विश्वास नहीं हो रहा था बट ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करने के बाद विश्वास हो रहा जे। उसी दिन से मैं सिस्टम को फॉलो किया और ऑफलाइन का बात मानकर काम किया और आज के दिन में क्राउन डायमंड एडिटर है। और सक्सेस के बारे में बोलूँगा तो फर्स्ट मंथ का चेक था 246 और आज का दिन में 2 लाख अबव इनकम है और 10 लाख का कार भी अचीव किया हूँ और 3 फॉरेन ट्रिप भी अचीव किया हूँ और मेरा 6 लाख लोन को भी मैं क्लियर कर चुका हूँ और अगला ड्रीम है 12-1 को और 3 लाख इनकम जरूर लूँगा। इसीलिए मैं थैंक्स देना चाहूँगा मेरा और सब ऑफलाइन को और मोदी केयर को, मैनेजमेंट को और मोदी केयर को। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सो मच। अच्छा गश्कुच में सुशांत जी, तो देखिए फेसबुक में आ रहा है, कोई मैसेज देते कि फेसबुक के नहीं आ रहे हैं। नहीं सर, फेसबुक लाइव है सर ऑलरेडी, मैं तो शेयर किया हूँ। अवंती मैम प्लीज।
Abati ma'am, please. Okay, thank you, sir. Thank you very much. And good Madhikar morning, everyone. Myself, Pavanti Pradhan, मैं एक सिंपल हाउस वाइफ हूँ, जाजपुर ओडिशा से बिलोंग करता हूँ. मोदीकेयर को 5 साल हुआ सीख रहे हैं. मोदीकेयर से पहले हमारा छोटा सा किराना स्टोर था, तो उससे 8 से 10 हजार इनकम हो रहा था. तो इसी इनकम से हमारा फैमिली में बहुत तकलीफ आता था. तो इसीलिए मैं मेरी हस्बैंड को एक दिन बोली कि आप 5 हजार एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ काम करो और आपका बिजनेस को मैं संभाल लूंगी. तो इसी दिन से हम कुछ अपॉर्चुनिटी तलाश में था, तो बहुत सारी काम किया लेकिन फेलियर था. और फेलियर के बाद हमको मोदीकेयर मिला. और शुरू में मोदीकेयर कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन जब हम प्लान देखा और सिस्टम को देखा बहुत अच्छा लगा. तो इसी दिन से हम काम किए. तो जैसे कि इसी मोदी केयर वजह से हमारा लाइफ में ऑलरेडी मेरे हस्बैंड बोल चुके हैं, तो मैं जैसे कि मेरा लाइफ में इतना सारी चैलेंजेस आता था, तो आज का डेट में मोदी केयर वजह से बहुत सारी अचीवमेंट हुआ. जैसे कि एक छोटा सा घर, एक ही रूम था, इसी घर में हम रहते थे. और आज का डेट में जो कि बहुत बड़ा घर में अभी हम रह रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा इस सिस्टम को जो कि हम फॉलो किया. और हमारे बच्चों को भी अच्छा एजुकेशन दे पा रहे हैं हम. और जैसे कि एक सुंदर, एक बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल अभी हम जी रहे हैं. तो बहुत अच्छा लगता है इस सिस्टम को. और इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारा सारी ऑफलाइन और मोदी केयर को और मोदी केयर प्लेटफॉर्म को, जैसे कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जैसे कि एक आम आदमी एक बहुत अच्छा बड़ा बन सकता है. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. थैंक यू मैम. मुझे मैम आपसे एक बात पूछना है कि आप जो बताए कि तकलीफ में थे, आपका जो वो तो जा जो जो था ना आपका ग्रोसरी शॉप, वहाँ कितना इनकम होता था मोदी के को आने से पहले? 8 से 10 हजार होता था सर. दोनों मिलके काम करते ना आप, ना सारे अकेला काम करते थे? एक्चुअली सारे मोदी के से पहले वो दुकान संभालता था, लेकिन 8 से 10 हजार इनकम था हमारा. दो बच्चे जैसे कि बहुत तकलीफ में हम थे, तो मैं एक दिन बोले कि आप बाहर में कुछ एक्स्ट्रा 5 हजार, सिर्फ 5 हजार इनकम हो जाता था हमारा फैमिली के लिए कुछ सेव हो जाएगा. तो इसीलिए मैं मेरे हस्बैंड को बोली कि 5 हजार एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ काम करो और आपका बिजनेस को मैं संभाल लूंगी. ओके थैंक यू मैम. थैंक यू दोस्तों. देखिए आप लोग सुने अभी ग्रोसरी शॉप से जहाँ होता था इनकम 8 से 10 हजार, अभी 2 से 2.5 लाख इनकम, 9-10 लाख की गाड़ी है. यानी दोस्तों फिर अगले स्पीकर से सुनेंगे. ही इज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, सो इट्स माय रियली प्राउड प्लेस टू वेलकम दैट ग्रेट मैन एंड यंग पर्सनालिटी, मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक मैन, मिस्टर संतोष यादव जी. संतोष जी अभी स्क्रीन है आपके. संतोष जी थैंक यू सो मच सर. गुड मॉर्निंग, केयर मॉर्निंग. सबसे पहले तो आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद, कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें इस काबिल समझा. फ्रेंड मेरा नाम संतोष है, मैं गुरुग्राम हरियाणा से बोल रहा हूँ. और मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा था, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बीवी है, और इनको पालने के लिए बहुत जद्दोजहद वाली जिंदगी चल रही थी. जो जानता होगा गुड़गांव के बारे में तो वो जानता हाईटेक सिटी है. जिंदगी कट रही थी, तकलीफ बहुत ज़्यादा थी. एक ही चीज़ की तकलीफ थी, वो था पैसा. और पैसा ही नहीं था, बाकी तो सब कुछ तो था, टाइम था, सब कुछ था, लेकिन पैसा ही नहीं था. ना कोई जानता था, कुछ भी नहीं था. तो खोने जैसा कुछ नहीं था, बस ढूंढ रहा था. थैंक गॉड की चिता सर एज ए भगवान हमारे पास, हमें ढूंढते हुए आए. बट मैं बाय चांस मिला और तकलीफ में ही शुरुआत करी. और गुड़गांव में कोई डीपी नहीं था, ट्रेनिंग नहीं था, कोई मानता नहीं था. दिल्ली जाता था, प्रोडक्ट लेकर आता था, लोगों को देता था. करते हुए अभी 4 साल कंप्लीट कर गया हूँ सर. अचीवमेंट की बात करूँ, 2 कार यहाँ से अचीव किया, बच्चों को बेहतरीन एजुकेशन दे पा रहा हूँ, विदेश यात्रा करी मोदी केयर के थ्रू. 3 BHK के फ्लैट में रहता हूँ गुरुग्राम में. सर आप आए हुए थे, उसी घर में अभी भी रहता हूँ. ये मोदी केयर की देन है. और इसके लिए सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं चीता सर का, विनोद सर का, जो कभी उंगली पकड़ा तो हाथ पकड़ लिया, कभी छोड़ा नहीं. थैंक गॉड कि ऐसा मोदी केयर प्लेटफॉर्म मिला. समीर मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मोदी केयर मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर. ये सब हुआ, मोदी केयर है तो मुमकिन है. थैंक यू सो मच सर. संतोष जी थैंक यू सो मच. दोस्तों अभी अनदर स्पीकर को मैं बुलाना चाहता हूँ. वन ऑफ द हैंडसम गाय, राइट, इज वेरी वेरी डायनामिक, ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग मैन, वेरी कॉन्फिडेंट मैन, इज मिस्टर मुबारक. मुबारक फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, वो संतोष जी की टीम से है. मुबारक जी नमस्कार, थोड़ा आपकी वेलकम में करता हूँ. नमस्कार सर. गुड मोदी केयर मॉर्निंग. मेरा नाम मुबारक है और सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा
सरिका की मुझे इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। तो दोस्तों मेरा नाम मुबारक है, मैं हरियाणा से हूँ और मोदी केयर से पहले मैं खुद का बिजनेस करता था, डायग्नोस्टिक सेंटर गुड़गांव दिल्ली एनसीआर के अंदर मैं चलाता था, लाखों की इनकम थी और अपनी गाड़ी खुद की मेंटेन करता था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी में बहुत सारी परेशानी आ गई थी क्योंकि मेरी हेल्थ खराब हो चुकी थी और मेरे पास टाइम नहीं था। टाइम को लेके मैं परेशान था। उसी दौरान मेरी जिंदगी में मोदी केयर आया और मोदी केयर जब मैंने शुरू किया, मोदी केयर स्टार्टिंग में मेरी समझ में नहीं आया और मैं विश्वास नहीं कर पाया कि मोदी केयर में इतना बड़ा कुछ हो सकता है। उसके बाद मैंने कुछ मीटिंग्स इवेंट्स अटेंड किए और मीटिंग्स इवेंट अटेंड करने के बाद मुझे विश्वास हुआ और मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। और जैसे मैंने माइंडसेट किया तो फिर मेरी जिंदगी में फिर एक और भूचाल आया, भूकंप आया कि लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लोगों ने मुझे समझा दिया और मेरे घर वालों ने सबसे ज्यादा मुझे परेशान किया, यहाँ तक कि घर से बाहर निकाल दिया। और घर से निकलने के बाद मैं गुड़गांव शिफ्ट हुआ और उसके बाद मेरी मोदी केयर की जर्नी स्टार्ट हुई। और मैंने जैसे माइंड सेट किया, पहला अचीवमेंट मैंने यहाँ से लिया, एक 11 लाख रुपए की 11 लाख रुपए की गाड़ी 11 महीने के अंदर मैंने यहाँ से पहली अचीवमेंट करी। और उसके बाद मैं फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया और 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख इनकम को मैंने क्रॉस किया। और उसके बाद मैं यहाँ से हाउस फंड क्लियर किया, हाउस फंड करने के बाद मैं अभी यहाँ खुद का एक घर बना चुका हूँ, मेरी टीम में काफी सारी गाड़ियां आ चुकी हैं और अब मैं ये इस टीम को लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और अभी मैं क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूँ। ये सारा जो हो पाया ये मेरे सारे जितने भी सीनियर अपलाइन है मेरी टीम की वजह से और मेरे मोदी केयर मैनेजमेंट की वजह से ये हो पाया। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि मेरे अपलाइनों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ और उन्होंने मेरा साथ दिया और उसी की वजह से मैं ये सारा काम कर पाया। थैंक यू सर। थैंक यू मुबारक जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए टाइम निकाल के। अच्छा दोस्तों, मैं अभी जो स्टोरी में अभी जो जिनका सक्सेस स्टोरी अभी सुनाने के लिए उनको बुलाऊंगा, वो स्टोरी के लिए पर्सनली मैं बहुत इंस्पायर हो गया था। मैं पहले विश्वास कर नहीं सका कि क्या सच में हो सकता है, राइट? ओके, नाउ द ग्रेट मैन इज दिस इज संजय महंत। संजय जी का नमस्कार, थोड़ा मैं आपको स्वागत करना चाहता हूँ, आप आइए अब स्क्रीन आपके। संजय जी, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा सर। सर थोड़ा आपकी स्टोरी बताया सर, बाकी लोगों को पता चले कि आपकी जिंदगी की कहानी क्या था और क्या अचीवमेंट हो आपका, प्लीज। मैं 5 साल पहले मैं एक फेरी वाला था, गांव में पुराना साइकिल लेकर के घूम घूम के वो जो बिक्री करते हैं वो कर रहा था। तो उस समय मेरा कोई मान सम्मान नहीं था, ऐसा समय था कि जब मेरा माँ का 2 बार ऑपरेशन हुआ था बोन टीबी में और उसको मेडिसिन खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था। और ऐसा समय था कि जब मेरे पिताजी मेरे बारे में किसी को बता नहीं पाते थे कि ये मेरा लड़का है और ये फेरी वाला काम कर रहा है, तो उन्हें भी खराब लगता था। एक दिन ऐसा हुआ, रात में मैं रात भर सो नहीं पाया और भगवान को प्रार्थना किया कि भगवान मुझे ऐसा कुछ दो, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी दो, कम से कम मेरा पिताजी तो मेरे लिए कह सके कि ये मेरा लड़का है। तो परमपिता परमात्मा ने मेरे वो पुकार सुनी थी और उसके बाद एक फरिश्ते को भेजा, मिस्टर विनोद सर, विनोद बारिक सर, उन्होंने आकर के समझाया कि 5-10 हजार इसमें ज्यादा इनकम हो सकता है। तो मेरा विश्वास हुआ और जो पहला महीना का जो चेक था मेरा 131 रुपया था और आज मैं लगभग 1.5 लाख इनकम में पहुंच चुका हूँ। और ये मेरा औकात नहीं है, ये मोदी केयर का बिजनेस का अपॉर्चुनिटी का है। और उसके साथ साथ पुराना साइकिल से मैं आज एक बहुत अच्छा कार मेंटेन कर रहा हूँ और वो कार 2 साल हो गया, अभी मुझे पुराना पुराना लग रहा है। तो इसलिए मैं अभी रिसेंटली 19 लाख का कार लेने वाला हूँ। और उसके साथ साथ मैं 3rd क्लास जब था एक बार नंदनकानन गया था, उसके बाद पैसा के लिए मैं कभी गया नहीं था नंदनकानन, उसे कहीं भी घूमना नहीं था। अभी मैं जहां भी जाता हूँ अपना कार में जाता हूँ और फ्लाइट में जाता हूँ। ये तो मजा आता है कि मुझे अपने सोच करके कि फेरी वाला आज फ्लाइट मेंटेन कर रहा है। तो ये मेरे लाइफ में बहुत सारा चेंजेस हुआ है और आगे चल के मैं 10 लाख 2023 में इनकम करने वाला हूँ और बहुत सारा ड्रीम्स पूरा होने वाला है। तो मैं इसको कहना चाहूंगा कि अगर एक फेरी वाला कर सकता है तो आप क्यों नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू संजय जी। अच्छा आप जो आपका मोदी के आने से पहले जो प्रोफेशन था उसमें आप मंथली कितना कमा लेते थे? 8-10 घंटा 12 घंटा ऐसा काम करता था, लेकिन वहाँ 5-6 हजार कमाता था। 5-6 हजार, अभी 6 हजार से जाके अभी लाखों के ऊपर। गॉड ब्लेस यू ब्रदर कि आप जिंदगी में और भी तरक्की करो। दोस्तों सच में बिजनेस की ताकत है ना, लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ी परिवर्तन ले आता है, राइट? तो दोस्तों अभी चलते हैं, क्यों देखिए। अच्छा मैं
ये छह स्पीकर को आज ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत सारे सवाल हैं, राइट, जो फील्ड में लोगों को दिक्कत होता है। लोगों ने आ देखो अभी हजार लोग बैठे हैं आपको सुनने के लिए, यहाँ भी जूम में पता नहीं फेसबुक में कितने लोग होंगे। तो ये जानने के लिए चाहते कि जब भी आपकी जो प्रॉब्लम आता है फील्ड से, जो प्रॉब्लम आपको भी आता है, आप तो कुछ डील करते होंगे, तो इसलिए बहुत सारे सवाल है। और लोगों ने ये बोले हैं कि ये सवाल, सबसे पहले ये सवाल उठाना है, और यहाँ लिखा गया कि मोदी केयर की प्रोडक्ट थोड़ा कॉस्टली है तो क्यों हम लोग दुकान से यहाँ चेंज करें। ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ मुबारक जी को। मुबारक जी थोड़ा आप बताइए, क्योंकि कुछ लोग जो बोलते हैं कि प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है क्यों हम लोग दुकान चेंज करें, तो आप थोड़ा बताइए सर। मुबारक जी अभी सवाल आपके लिए है। मुबारक जी हैंग हो गया, नेट स्लो गया क्या? नेट स्लो, हैंग हो गया। अच्छा चीता जी आप एक काम कीजिए, सर तो अभी नहीं है, तो आपकी थोड़ा आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए सर, कि लोगों ने बोलते कि प्रोडक्ट थोड़ा महंगा है उसको क्यों दुकान चेंज करें, आपकी जवाब क्या होगा चीता जी? मेरे को भी ऐसे लग रहा था, पहले मैंने भी जब ज्वाइनिंग किया था मेरे को ऐसा लग रहा था। तो सर उसके बाद उसके बाद मेरा माइंड सेट हुआ, नहीं, समझ में आया कि ये जो प्रोडक्ट है ये आधे रेट में हमें मिला। सर मुबारक सर लोगों ने आप क्या पहले बोलते हम लोग सुने थे, आपका नेट का कनेक्शन नहीं आता, हमको सुने नहीं देता था, प्लीज दोबारा शुरू कीजिए। सवाल ये है कि लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट मोदी करके प्रोडक्ट महंगा है, हम लोग क्यों दुकान चेंज करें, उसके लिए आपका जवाब क्या हो? जी सर, थैंक यू सर। मोदी केयर का प्रोडक्ट महंगा है, हम मोदी केयर का प्रोडक्ट यूज क्यों करें? सर आवाज आ रहा है मेरा? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी सर। सर शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगा था कि हमारा जो मोदी केयर का जो प्रोडक्ट है वो महंगा है, लेकिन जब मैंने इसकी क्वालिटी देखी और इसका डेमो देखा मैंने, तो मुझे जब समझ में आया कि प्रोडक्ट तो वास्तव में ही ओरिजिनल है, सोने और चांदी वाला फर्क आ गया सामने। और उसके बाद फिर मैंने क्वांटिटी देखी इसकी कि इसके जो प्रोडक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा है। जैसे हम मान लें परफ्यूम खरीदते हैं तो मार्केट में 120 ml परफ्यूम फॉग 190 रुपए का आता है, हमारा वही 150 ml 163 रुपए का आता है, तो यहाँ भी कम हुआ। उसके बाद फिर मैंने एक प्रोडक्ट और देखा, जैसे पाउंड्स का पाउडर है वो 85 रुपए का आता है 100 ग्राम, हमारा मोदी केयर का सिर्फ 100 ग्राम आता है 60 रुपए का, 60 रुपए का, यहाँ भी मुझे अंतर मिला। कुछ लोगों को तो ये नहीं पता होता कि मार्केट के एक्चुअल में प्राइस क्या है प्रोडक्ट का। और उसके बाद फिर मैंने लॉयल्टी प्रोग्राम को समझा और लॉयल्टी को जब मैंने देखा तो 50% में मिल जाता है, तो 50% हमारी सेविंग हो जाती है। मतलब अगर हम 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट खरीदते तो सिर्फ 50 रुपए में हमें वो मिल जाता है, अगर हम लॉयल्टी प्रोग्राम को समझ लेते हैं। तो उससे मैंने देखा तो मार्केट के तो लोकल प्रोडक्ट भी हमारे ओरिजिनल प्रोडक्ट से 2 गुना दाम में ज्यादा मिलते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट इसलिए खरीदना चाहिए कि मार्केट से बेस्ट प्रोडक्ट है। क्वालिटी, क्वांटिटी और लॉयल्टी के बारे में समझने के बाद हमें प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि सर सबसे बड़ी चीज ये कि इस प्रोडक्ट की वजह से मैं मोदी केयर में आया था, क्योंकि ये हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करता है। थैंक यू सर। थैंक यू मुबारक जी, बहुत अच्छा सवाल, अच्छा जवाब आप दिए। दोस्तों मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने भी सवाल पूछे थे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर जैसे आज आपको थोड़ा प्रोडक्ट महंगा लगता है ना, मुझे 23 साल पहले भी लगता था महंगा, मैं 2 महीना तक प्रोडक्ट परचेज नहीं किया था क्योंकि पास में पैसा नहीं था, हालत इतना बुरा था, मगर बाद में समझ गया। अभी तो मुबारक जी बहुत बढ़िया आंसर थे, मगर मेरा तब तो लॉयलिटी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, ना रिपर्चेज ऑफर ना कुछ था, तो मेरा दिमाग में एक चीज आया था कि अगर मैं कोई भी चीज ले लो, मोदी करके कोई भी प्रोडक्ट ले लो, तब तो एडियोस में नहीं था, तब तो सिर्फ वॉशिंग पाउडर, शैम्पू, इस तरह साबुन था। मुझे हमेशा ये लगता था कि ये प्रोडक्ट मेरा जिंदगी बदलाएगा, मुझे घर, गाड़ी, पैसा, मान सम्मान दिलाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल के लिए चलते हैं। जो चीता जी, मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ, कुछ लोग पूछे सवाल कि जिन्होंने ज्वाइन करते हैं उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है। ये बहुत बढ़िया है, मैं तो 18 साल के बाद, पहले तो ज्वाइनिंग किया था, लेकिन 18 साल के बाद मैंने फिर ज्वाइनिंग किया और दोबारा ज्वाइनिंग किया, और मैंने यही सोच के साथ ज्वाइनिंग किया। मेरे को भी ऐसा लग रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग तो आगे आ गए तो इन लोगों को सफलता मिला, लेकिन मैंने इसको चैलेंज के हिसाब से लिया। और मेरे को लगा, जैसे मीट द क्राउन का मीटिंग अटेंड करने के बाद मेरे को लगा अगले 2 साल के अंदर मैं क्राउन बनूंगा, और एग्जैक्ट 2 साल के अंदर मैंने क्राउन बना, और 5 साल के अंदर जीबीडी बनूंगा, तो एग्जैक्ट 5 साल के अंदर मैंने जीबीडी बना, एग्जैक्ट डेट के हिसाब से बना।
क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था जब हम काम करेंगे, जब हमको पता चल गया नेटवर्किंग के बारे में, क्योंकि मैंने पहले नेटवर्किंग में काम कर रहा था, लेकिन ये एक्सपीरियंस था, मैंने ढूंढ रहा था अच्छा एक कंपनी, तो ये मोदी केयर मेरे को मिल गया, मैंने खुद जाके ज्वाइन किया और ये चैलेंज मेरा साथ आया था, लेकिन मैंने इसको चैलेंज के साथ किया और मेरा सामने दो ये था चैलेंज था, प्रोडक्ट बहुत महंगा है और इसमें किसी को कमीशन नहीं आता है, और ये दो चैलेंज को लेके मैंने काम शुरू कर दिया, मेरा टीम में इस चीज को बताया और धीरे 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 टीम बढ़ता गया और ऐसे बहुत सारे लोगों को आज सफलता मिला जब हम स्पीड से काम किया। और मेरे को एक साल के अंदर मैंने भी कार ले गया था, 6 महीने के अंदर 1 लाख क्रॉस इनकम मेरा हो गया था। तो इसलिए मैं सारे लोगों को यही बताना चाहता हूँ, आप ये प्लान को समझ लीजिए, प्रोडक्ट का डेमो सीख लीजिए, कैसे बताना है इसको भी सही तरीके से बताना है, मतलब किसी को झूठ नहीं बोलना, सच्चाई बताना है, बस इसको हम करते जाएंगे, ट्रेनिंग में सीखते जाएंगे, जरूर हम जल्द से जल्द सफलता हमको मिल जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू चिता जी। अभी थर्ड सवाल आया है लोगों से कि लोगों ने अभी कुछ लोग बोले कि हम जो लोगों को बोलते हैं ना, लोगों ने हमको बिलीव नहीं करते, तो ये सवाल मैंने पूछना चाहता हूँ संतोष जी को। संतोष जी थोड़ा आप बताएंगे कि जब हम लोग लोगों को प्लान दिखाते हैं, कुछ लोग हैं हमको बिलीव नहीं करते हैं, इसका जवाब आप क्या दिलाएंगे? जी सर, एक्चुअली इसका तो मुझे भी विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं भी जो सुना था लोगों की तरह ही था, मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा था कि यहाँ से इतना सब कुछ कैसे हो सकता है। लेकिन सर मैं जो समझा, मैं ज्वाइन किया तो मैं कंपनी को नहीं ज्वाइन किया था, मैंने ज्वाइन किया था चीता सर को। तो यहाँ पर सब लोग एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है कि उस ज्वाइन करने के बाद होता क्या है कि हम लोगों ने जो टेस्टिमोनी देखी, हम लोगों ने जो यूट्यूब पे देखा कार BMW, अब हमने सर 25-26 साल पढ़ाई करी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा, SMU से पढ़ा, तो कभी सोच ही नहीं पाया कि हम अपनी अल्टो ले लें। तो ये सिस्टम कहता है कि यहाँ से BMW कार अपनी याद चलाते हैं लोग, तो वो पिक्चर नहीं समझ में आती है। लेकिन सर ने मुझे बताया था कि 100 रुपया कैसे कमाया जाएगा, तेरा एक्स्ट्रा मोबाइल का जो बिल है अगर वो मोदी केयर के प्रोडक्ट से आ जाए तो कैसा रहेगा। मैंने कहा अच्छा रहेगा। दूसरा बोला था कि टीवी का रिचार्ज अगर तेरे घर का हो जाए तो तेरी वाइफ खुश नहीं रहेगी। मैं कहा सर बहुत खुश रहेगी। तो वो दूसरा भी अचीवमेंट हो गया, पहले महीने का इनकम 120 रुपया, दूसरे महीने का इनकम 2000 समथिंग था, तीसरे महीने का इनकम 9624 रुपया। सर हमने विश्वास उन पर किया जो मुझे प्रेजेंट किए इस बिजनेस को। फिर मैं सिस्टम से प्लग हुआ, सर ने बोला ट्रेनिंग में जाओ, सर मुझे दिल्ली भेज दिया, अपने उड़ीसा में थे, मुझे बोले दिल्ली जाओ, सरद चौधरी सर की ट्रेनिंग थी उसमें भेजा था। तब सर सिस्टम समझ में आया धीरे 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 धीरे, तो सर 6 महीना का इनकम 36179 था, 11 महीने में नौकरी को रिजाइन दिया था, मैं अपनी बाइक से अपने कार में आ गया था। तो विश्वास हमें सिस्टम से ही करना होगा, पहले जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा उसे सबसे ज्यादा जरूरी है वो अपनी इनकम को दिखा दे। 10,000 है, 2,000, मैं 120 रुपया शुरू किया था दिखाने, अभी 2.25 लाख तक भी मैं लोगों को दिखाया हूँ, लोग बड़े खुश हैं सर। संतोष जी आप ये बताइए कि आप जब मोदी कर से ज्वाइन किए तो सर पहले आपका इनकम कितना था, जो भी नौकरी करते थे इनकम कितना था? सर 25,000 था। 25,000 सभी 2.5 लाख हो गया सर। सो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो पहले शुरुआत में क्या होता है ना, बिलीव तो किसी के भी नहीं होता है। अगर आपके मन में कोई डाउट होता है ना, हर चीज चेक कर लो कि रिस्क क्या है, इसीलिए आपका मन में डाउट आता है। ये अगर आप अंदर से आपस में बात करेंगे, दिमाग की हर क्वेश्चन लगे पेन पेपर में लिख लेंगे, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू सो मच। अभी अवंती मैडम को मैं और एक अच्छा सवाल पूछना चाहता हूँ। अवंती जी, कुछ लोग पूछे हैं कि जब आज आपका पोस्टर आया तो उसके बाद भी मेरे कुछ ग्रुप के, मेरे पर्सनल ग्रुप के कुछ लोग सवाल पूछे हैं कि मैडम को पूछिएगा, अवंती मैडम उसको लेडी मुझे सवाल पूछे, अवंती मैडम ये पूछिएगा कि लोगों को अच्छा क्या क्या सक्सेस मिल सकता है, एक हाउस वाइफ को क्या क्या सक्सेस मिल सकता है, कि इंसान को क्या क्या सक्सेस मिल सकता है, ये सवाल है, बताइए थोड़ा प्लीज अवंती मैम।
एक्चुअली सर थैंक यू वेरी मच. एक्चुअली सर यहाँ पर हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है, जिसकी प्रबल इच्छा शक्ति और बर्निंग डिजायर है वो ही सक्सेसफुल होता है. हम भी ऐसा एक नीचे स्तर से आकर यहाँ सक्सेसफुल हुए हैं. यहाँ पर कुछ नियम है सर, जो कि जो डिसिप्लिन प्रिंसिपल और डिसिप्लिन को फॉलो करता है वही लाइफ में सक्सेसफुल होता है. मोदी केयर वही है जो सक्सेसफुल का कुछ प्रिंसिपल है और डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करना पड़ेगा. और हमेशा जैसे कि रेगुलरली डेली बेसिक स्टेप को फॉलो करेंगे और हमेशा सक्सेस लोगों को साथ रहेंगे, जैसे कि मीटिंग पर आना, सेमिनार आना और ऑफलाइन को बात मानना, तो हर कोई इंसान यहाँ सक्सेसफुल हो सकता है. ओके ओके थैंक यू मैम. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. देखा तो ये तो आप तुम जानते हैं, कनेक्ट मैगजीन देखेंगे ना, हर किस्म की कहानी आपको मिल जाएगा. राइट तो अभी अच्छा संजय महंत जी आपके लिए एक सवाल है. आपके लिए सवाल है कि कुछ लोग जो बोलते हैं ना प्लान दिखाने का टाइम में, जब मीटिंग को बुलाते हैं हम लोग या प्लान दिखाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है. सर आप इसके बारे में क्या बताएंगे सर, जिन लोगों ने बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, ये मेरे लिए सूट करता है बहुत अच्छा, क्योंकि मैं 8-10 घंटा 12 घंटा काम करके जहाँ पर 5-6 हजार इनकम करता था, तो मेरा मन में भी ऐसा था कि टाइम उसके बाद कहाँ से लाऊं, इतना परिश्रम करने के बाद भी टाइम कहाँ से लाऊं. तो मेरा अपलाइन से पूछा तो उन्होंने बहुत अच्छा सोल्यूशन बताया. मेरे को पूछा कि अगर ऐसे ही 5 साल और भी काम करोगे तो कितना इनकम करोगे? बोला 2-3 हजार एक्स्ट्रा इनकम करूंगा. तो उन्होंने बोला कि अगर और 1-2 घंटा एक्स्ट्रा निकाल लोगे तो आपको 6 महीना 1 साल में 10-15 हजार एक्स्ट्रा इनकम हो सकता है. तो मेरे को समझ में आ गया कि अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालता हूँ तो 10 हजार आ जाता है, तो हर्जा क्या है. इसलिए मैं पार्ट टाइम में किया, थोड़े थोड़े काम किया, फिर जब लगा कि इसमें बहुत अच्छा पैसा आता है तो मैं फुल टाइम इसमें करने लगा. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये नो टाइम बिजनेस नहीं है, ये पार्ट टाइम बिजनेस हो सकता है, फुल टाइम बिजनेस हो सकता है, लेकिन नो टाइम बिजनेस नहीं है. इसीलिए यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा और टाइम जब देते हैं तो यहाँ इनकम आता है. तो इसीलिए अगर हमको चाहिए, हमारा ड्रीम्स है, पूरा करना चाहते हैं, तो टाइम तो देना ही पड़ेगा और टाइम निकालना, इसलिए टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा. अगर हम मीटिंग में जाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे तो टाइम मैनेजमेंट सीख जाएंगे, तो सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा इनकम करेंगे. और मैं उनका बात माना तो आज मैं लाइफ फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम दोनों ही मैं एंजॉय कर रहा हूँ. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच संजय जी, बहुत अच्छा आंसर दे. यानी कि अगर जिंदगी में कोई फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम चाहता है तो थोड़ा तो टाइम निकाल कर तो देना है. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. और मैं भी आपको यही आर्डन करना चाहता हूँ, लोगों ने एक लेडीज लोग सीरियल देखने को टाइम निकाल लेते हैं, 1-2 घंटा टाइम निकाल लेते हैं. राइट तो लोगों ने भी दोस्तों के साथ बिता देते 1-2 घंटा, थोड़ा 1-2 घंटा टाइम देगा तो जिंदगी बदल जाएगा भैया, जिंदगी बदल जाएगा. एनीवे अभी विनोद जी आपके लिए एक सवाल है. विनोद जी ये सवाल है कि डायरेक्ट बिजनेस इट्स ए ये क्या सेलिंग बिजनेस है, और क्या डोर टू डोर हमको सेल करना पड़ेगा? विनोद जी सवाल आपके लिए है. राइट सर. सर एक्चुअली मुझे भी ये लगता था, क्योंकि अजय जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के साथ इंट्रोड्यूस हुआ था तो बाय प्रोफेशन मैं फार्मेसी स्टूडेंट था, तो मुझे जब फर्स्ट टच में ये लगा था कि क्या मुझे घर घर जाकर यहाँ पर प्लान डेमो दिखाना पड़ेगा. मगर जब मैं सर मीटिंग सेमिनार में अटेंड किया और बैठा, तब मुझे एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिला कि एक्चुअली ये सेलिंग बिजनेस नहीं है, ये एक्चुअली शेयरिंग बिजनेस है, जहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं. जैसे सर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, अगर मैं कोई बड़ा मॉल को गया हूँ और एक अच्छा सा परफ्यूम यूज किया और मुझे उसका खुशबू बहुत अच्छा लगा, तो मैं आकर क्या करता हूँ, मेरे सारे दोस्त यार लोगों को बताता हूँ, अरे वो परफ्यूम बहुत अच्छा है. कोई फिल्म देखता हूँ तो अगर मुझे अच्छा लगता है तो गिन गिन कर दोस्तों को वो डायलॉग सुनाता रहता हूँ. फिल्म मैंने खर्च करके देखा मगर लोगों को सुनाता हूँ और लोग फिर जाकर उस फिल्म को देखते हैं. तो इस तरीके से सर बहुत सारे काम ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं, शेयरिंग हम लोग करते हैं, और यहाँ पर सर वही करना है. जैसे आप लोगों ने अभी बताया कि ये प्रोडक्ट क्यों खरीदना चाहिए, राइट, यहाँ पर टाइम फ्रीडम मिल सकता है, कुछ लीडर ने बताया, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन मैं लोगों के साथ शेयर करूँ तो मेरा लाइफ में चेंजेस हो सकता है. और सर मेरे साथ भी वही हुआ है, मैंने सिर्फ कुछ लीडरों को इन्फॉर्मेशन शेयर किया और उनके लाइफ चेंज हुआ और मेरा लाइफ चेंज हुआ. ओके थैंक यू सर. दोस्तों जिनके अभी सवाल था समझ में आ गया होगा आपको कि ये सेलिंग डोर टू डोर सेलिंग बिजनेस नहीं है. मैं अगर ऑनेस्ट मेरे बात आकर विश्वास करते हो, ट्रस्ट में मुझे सेल करना नहीं आता, ट्रस्ट में.
आज मेरा टीम की सेल होता है कम से कम 20 करोड़ से ऊपर होता है सेल, मगर मुझे सेल करना नहीं आता। मैं जहाँ जैसे सर विनोद सर बताया ना, मैं जाता हूँ लोगों के घर में बैठ के इन्फॉर्मेशन देता हूँ, प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ, डेमो दिखाता हूँ, बस काम बन गया, राइट। सो दोस्तों फिर अभी सवाल है कि और एक अच्छा सवाल है और इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये सवाल है मुबारक जी के लिए। मुबारक जी थोड़ा तैयार रहिए। कुछ लोग लिखे हैं यहाँ अमेजोन और फ्लिपकार्ट में तो प्रोडक्ट मोदी का प्रोडक्ट बहुत सस्ता में मिलता है, तो हम लोग क्यों यहाँ से खरीद करें? जी सर, मुबारक जी आपको जवाब देना होगा सर ये चीज के बारे में। जी सर सर मैं मुझे ये सवाल जब मेरे सामने आया तो मैंने भी ये साइट को देखा, अमेजोन फ्लिपकार्ट को मैंने देखा, तो वहाँ पे सच में ही प्रोडक्ट को सस्ता डाला जाता है। और वहाँ पे एक मोदी केयर ने एक केस भी किया हुआ है कोर्ट के जरिए कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट किसी भी ऑनलाइन साइट पे नहीं बिका जा सकता, लेकिन फिर भी हम लोग विश्वास नहीं कर पाते। तो फिर मैं एक इसका मेरा जो सवाल है वो आंसर आता ही आता है कि फ्लिपकार्ट से बहुत सारे लोग प्रोडक्ट मंगाते हैं, अमेजोन से बहुत सारे लोग प्रोडक्ट मंगाते हैं, किसी एक इंसान की अगर जिंदगी बदली हो तो मुझे बताओ। लेकिन मोदी केयर से जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो मंगाते हैं, उनकी बहुत सारे लोगों की स्टोरी मेरे पास ऐसी है जिनकी जिंदगी बदली है, बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी मेरे पास है जिनकी लाइफ यहाँ से बदली है। पहला चीज ये है कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट तो मिल सकता है, लेकिन जो मोदी केयर के पास प्रोडक्ट मिलेगा सबसे पहले 100% शुद्धता की गारंटी मिलेगी, खोलने के बाद यूज करने के बाद आप इसे वापसी कर सकते हैं। दूसरा है कि आपको 100% गारंटी के बाद आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, तो अगर हम डिस्काउंट लेते 15% एवरेज डिस्काउंट आ जाता है, 10% एवरेज ऑफर आ जाता है और कैशबैक आ जाता है एवरेज 10%, तो अगर टोटल मिला है 25% हमें लॉयल्टी आ जाती है, तो हमारे यहाँ भी 50% में मिल जाता है। अमेजोन पे जो मिलेगा 400 रुपए का प्रोडक्ट 350 में मिल सकता, 300 में मिल सकता, बट मोदी केयर से वही प्रोडक्ट डायरेक्ट खरीदारी करने पे 400 रुपए का प्रोडक्ट 200 में मिल सकता है, क्योंकि 50% यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मोदी केयर से डायरेक्ट खरीदने पे फॉरेन ट्रिप आपको मिल सकता है, हाउस फंड आपको मिल सकता है, सपनों का घर ले सकते हैं, सपनों की गाड़ी ले सकते हैं। जो ये मोदी केयर ने ऑफर दिए हैं ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आपको नहीं मिलेगा। तो सर मैं इस तरीके से इस बात का जवाब देता हूँ और मुझे इसका बहुत अच्छा मजा आता है इसका जवाब देने। थैंक यू सर मुझे बहुत मजा आया आपके जवाब सुन के सर, आई एम ऑल्सो हाईली इम्प्रेस्ड। ओके सो दोस्तों मैं अभी और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया, पता नहीं भाई लोगों के दिमाग में क्या क्या सवाल आ जाता है। और अभी सर एक सवाल पूछा गया कि अगर मार्केट में हिंदुस्तान में दो लेग में बिजनेस होता है तो हम लोग क्यों मल्टी लेग बनाएंगे, 3-4-5-6 लेग क्यों बनाएंगे? और ये सवाल सर मैं चिता जी को पूछना चाहता हूँ। चिता जी आप बताइए, अगर मार्केट में कुछ मार्केटिंग प्लान है दो लेग में काम बन जाता है तो हम लोग मल्टीपल लेग इतना क्यों बनाएंगे सर? मैंने जब LIC एजेंसी शुरू किया था उसके बाद में भी मैंने एक ही बाइनरी कॉन्सेप्ट में जुड़ा था और मेरे को लगा था दो लेग में काम हो जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसमें मैंने 7 साल तक काम किया, लेकिन मेरा जो बिजनेस हो रहा था टर्नओवर हो रहा था 2 करोड़ से ज्यादा हो रहा था, लेकिन 1 लाख से ऊपर इनकम नहीं हुआ हो पाया। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ा चीज जो भी लोग आके बताते हैं आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, 1 लेग में काम करना पड़ेगा, मैं 1 लेग कर दूंगा, तो ये जो माइंड में एक स्विच दिया जाता है काम नहीं करने का तो आदमी नहीं करते। और मैंने उस समय वो बाइनरी कॉन्सेप्ट में 7 साल तक जो काम किया, जितना मेहनत करता था, आज एक्चुअली मैं मोदी केयर में वही काम नहीं कर रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ा चीज है आज इधर 1 करोड़ से ज्यादा थोड़ा टर्नओवर है, इधर 4-5 लाख इनकम मिल रहा है, ये मैंने डिफरेंस ये चीज को समझा फिर चुना। और मैं एक एग्जांपल लिया, जैसे किसी को मकान बनाना है तो 2 पिलर में मकान बन सकता है क्या? तो बड़ा मकान बनाना है जितना पिलर आप खड़ा करो उतना बड़ा मकान हम बना सकते हैं, लेकिन आपको बड़ा इनकम लेना है, ड्रीम को पूरा करना है लाइफ में, पूरा जो भी हम चाहते हैं इसको सारी चीज लेना है, तो ये मल्टी लेग में हमको काम करना पड़ेगा। ये सोच मेरे को आया, मैंने उसके बाद तुरंत 2015 को फिर मैंने मोदी केयर में जुड़ गया। ये दो लेग में ये जो माइंड का जो कंजर्वेटिव माइंड इसको निकालना पड़ेगा, मेरे से ये हुआ, मैं एक्चुअली इसका बता सकता हूँ। चिताजी और एक में वही सवाल उसका साथ लिंक करके पूछना चाहता हूँ, सच में 2 लेग में जो आते तो उन्होंने तो पैसा कमा लेते हैं ना? पैसा तो आता है लेकिन काम 10 गुना करना पड़ता है। लोगों को लगता है इधर काम नहीं बनेगा 2 लेग में हो जाएगा, लेकिन वही है, जब लोग ये बेसिक काम करेंगे
वही सारे चीज जो भी नेटवर्किंग में वही सारे चीज है, लेकिन दो लेग में थोड़ा कंफर्ट माइंड में आ जाता है, लोग इतना एक्टिव नहीं हो पाते, और जो जितने भी बाइनरी में काम करते हैं तो इतना बड़ा लीडर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि माइंड में पहले से वो कंजर्वेटिव माइंड ये ब्लॉक हो जाता है माइंड, और यहाँ खुल जाता है सीखने के लिए और आग्रह होता है, और हम जितना सीखेंगे उतना ही बढ़ेंगे यहाँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर अ नाइस आंसर। अभी संतोष जी आपके लिए सवाल आया है सर। संतोष जी, अभी कुछ लोग आपके लिए पूछे हैं कि यहाँ तो इमीडिएट इनकम नहीं आता है, हम लोग क्यों करें, नौकरी करता है तनख्वाह मिल जाएगा इमीडिएटली, यहाँ तो इमीडिएट इनकम नहीं आता। संतोष जी आपकी क्या जवाब होगा इसमें? सर बिल्कुल, ये जब गरीब सोच के गरीब व्यक्ति हम भी थे, तो हम भी सोच रहे थे कि कैसे इमीडिएट इनकम आए। तो इमीडिएट इनकम के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझना ये पड़ा था मुझे, कि मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में आया था, क्योंकि मैं बिजनेस की तरह इसे लिया था, तो बिजनेस करने के लिए एक थॉट आया था दिमाग में कि ABCD सीखने के लिए मुझे 1 साल लगा था, और नौकरी करने के जब मैं गया तो 30 दिन मुझे नौकरी लगातार करनी पड़े थी, उसके बाद मैं पैसा अपना मांगा था कि मुझे सैलरी मिल जाए, तो बॉस बोला कि अभी थोड़ा रुको ना, अभी क्या जल्दी है, कौन सी आफत आई है। तो सर 1.5 महीना काम करके लगातार, मतलब 8 घंटा से 1 मिनट ज्यादा हो सकता कम नहीं होता था, उसके बाद 1.5 महीने बाद 1 महीना की सैलरी मिली। तो मैं सैलरी वाला माइंड निकाल दिया था, मुझे चाहिए था बिजनेस। तो बिजनेस को बड़े माइंडसेट के साथ जब मैं यहाँ आया तो 1 महीना काम किया, तो पहले महीने की इनकम 120 रुपये आया, और मैं अपनी पत्नी को दिखाया था कि देखो मेरा मोदी केयर से पहले महीने का इनकम ट्रांसफर हुआ है। वो हंसा था, 120 ऐसा बोला जैसे 1,20,000 आया। मैंने कहा ये मेरे को विश्वास हुआ कि मोदी केयर पैसा ट्रांसफर करता है, 120 दिया 1,20,000 भी आएगा। और एग्जैक्टली सर मेरा जो है कि 16वें महीने का जो इनकम था वो 1,20,200 था। मैंने वाइफ को दिखाया था, मेरे को याद था, तो मैंने वाइफ को दिखाया था, बोल रही कि तुम्हें कैसे पता था। हम कहे कि चीता सर ने बोला था कि हो जाएगा, तो हो गया। तो अगर आपको रियल में पैसा कमाना है तो आप ये सट्टा समझ के ना आए, यहाँ पर ये जो जुआ नहीं है, ये शॉर्ट टाइम नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं। तो मैं जानता हूँ सर कि बरगद का पेड़ मेरे गाँव में था और ताड़ का भी पेड़ था, एक बार आंधी आई थी तो ताड़ वाला जो है ना सर वो बीच से टूटा था। Okay. और बरगद का पत्ते सिर्फ पत्ते गिरे थे, हम लोग झाड़ लिए थे, उसके बाद बरगद वैसे का वैसा था। तो अगर मुझे यहाँ से लाइफ बदलनी है तो बरगद का पेड़ थोड़ा समय लेगा, लेकिन उसके बाद पूरी जिंदगी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं भी थोड़ा एक बताना चाहता हूँ, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए 50,000 से कमाने के लिए ना सर 5 से 6 साल पढ़ाई करना पड़ता है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, अभी अवंती मैडम आपके लिए एक सवाल है कि यहाँ एक हाउस वाइफ को सक्सेसफुल बनने के लिए कितना टाइम लगेगा, या एक इंसान को सक्सेसफुल बनने के लिए कितना टाइम लगेगा? मैडम सवाल आपके लिए मैम। थैंक यू सर, एक्चुअली बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जैसे कि समय हमारे ऊपर की, जैसे कि सफलता की मायने हम क्या चाहते हैं, सफलता की मायने आपका हो सकता है आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए आए हैं तो आप 1,000 रुपया हो सकता है, आपकी सफलता की मायने हो सकता है 5,000-10,000। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना टाइम दे पाएंगे। तो इसी हिसाब से जैसे कि हम 5,000 एक्स्ट्रा इनकम के लिए यहाँ पर आए थे और उसका 3 महीना से 10,000 क्रॉस कर लिए थे, तो आज का डेट में इनकम हमारा 2 लाख प्लस है। तो इसी हिसाब से डिपेंड करता है आप कितना टाइम दे पाएंगे और कितना सीखने के ऊपर जोर देते हैं, इसी हिसाब से आपको सक्सेस मिलेगा, इसी हिसाब के आप टाइम को देकर इस बिजनेस से सक्सेसफुल हो पाएंगे। और जैसे कि सफलता आपका ऊपर डिपेंड करता है आप कितना जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आपका ऊपर डिपेंड है सर आप कितना जल्दी सक्सेस पाएंगे और कितना इनकम, अगर अगर एक्स्ट्रा इनकम के लिए आए तो इसी हिसाब पढ़ने गलत हो गया, मेरा पास लोग नहीं और मैं क्या करूं अभी, ज्यादा लोग नहीं है जी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि मैं जब वो पुराना साइकिल लेके जिसका मड़गा टूटा हुआ था उसको लेके जाता था तो लोग देख के हंसते थे, तो यानी मेरे लिए लोग जो मिलने के चांस बहुत कम था,
तो मैं अपलाइन से पूछा कि मैं कैसे लोग कहाँ से लाऊं मैं, तो उन्होंने जो आंसर दिया मेरे को बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने बताया कि तुम्हारे मोबाइल में कितना नंबर है, कितना सेविंग हुआ है नंबर, तो मैं बोला कि शायद 100-150 होगा, तो बोला कि उसको लिख डालो, तो मैं लिख दिया, तो मैं वो नंबर जो नाम पढ़ते गया तो जिस नाम पर मेरा आंख रुक गया तो मैं टिक लगा दिया, तो यानी वो मुझे लगा कि ये कर सकता है, तो इसे देखा कि 10-12 उसमें निकल आए, तो फिर उन्होंने एक दिया कि फ्रेंड्स का एक वर्ड दिया फ्रेंड्स, तो उसमें एक एक लेटर में एक एक दिए, तो उसको मैं देखने के बाद पता चला कि ये तो बहुत बड़ा हो सकता है, नाम हो सकता है, फिर उनके भी जो मित्र संबंधी है दोस्त है उनको ये तो बहुत बड़ा वर्ल्ड है, और पता चला कि अमेरिका में 32 करोड़ लोग है और उसमें कितना बड़ा बिजनेस हो रहा है, और इंडिया में तो 132 करोड़ लोग है, तो ये तो बहुत बड़ा सागर है, तो मैं जब देखा और सीखा तो पता चला, और मैं अकेला था, फिर अभी मेरा कम से कम 3000 से ज्यादा लोग हैं मेरे साथ, ऑल इंडिया में मेरा बिजनेस चल रहा है, तो मैं एक फेरी वाला साइकिल से ये सब कर सकता हूँ, मुझे भी लोग पसंद करते हैं, तो आप क्यों नहीं, आप सिर्फ आपका दिमाग में होना चाहिए कि लोग आपको मिल जाएंगे, और अजनबी जो लोग है वो बहुत ज्यादा है दुनिया में, अगर उन्हें कलेक्ट करने की आइडिया सीख जाएंगे ना, ये सीखने की बात है, अगर सीख जाएंगे तो हो जाएगा, बहुत सारे लोग हैं, मिल जाएगा। थैंक यू सर, संजय सर। अभी एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि मोदी का इतना बेनिफिट क्यों दे रहा है, मैं अभी किसको पूछूं, आप सबका बीच में, आप लोगों का बीच में किसको पूछे सवाल कि मोदी क्या क्यों बेनिफिट इतना दे रहा है, अभी विनोद जी आप बताइए कि मोदी का क्यों इतना बेनिफिट देता है। सर ये सवाल एक्चुअली जिस दिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था सबसे पहला सवाल, क्योंकि जब भी हमें कुछ ज्यादा मिलता है तो हमें लगता है कि उस व्यक्ति का क्या मुनाफा होगा, तो ये सवाल मेरे अंदर एक्चुअली था सर कि कंपनी इतना सारा फायदा, इतना गाड़ियां, इतना फॉरेन ट्रिप क्यों दे रहा है, तो मगर जब मैंने ट्रेनिंग में बैठा और इस कॉन्सेप्ट का रियल साइंस को समझा, तो साइंस क्या है सर, कोई भी प्रोडक्ट हम जब यूज करते हैं वो हमारे पास कंपनी से डायरेक्टली नहीं पहुंचता, उसके हमारे कंपनी से निकलकर हमारे पास पहुंचते बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे दुकानदार, होलसेलर, रिटेलर, ऐसे बहुत सारे कुछ लोग होते हैं, और इसमें एक बहुत बड़ा चीज होता है मीडिया या एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, तो ये एक बहुत बड़ा खर्चा सर होता है, लगभग बहुत सारे प्रोडक्ट में 60-70% हो जाता है, और इस चीज को मोदी केयर और समीर मोदी सर ने ये डिसीजन लिया कि इंडिया के हर व्यक्ति के घर में कैसे आजादी पहुंचे, तो ये बीच वाले लोगों को यहां से हटाकर वो पैसा वो डायरेक्ट जो मोदी केयर का प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है वो 60-70% पैसा एक कैलकुलेशन के माध्यम से, जिसको हम बोलते हैं समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड, उसके माध्यम से वो बांट रहे हैं, तो उसी के कारण हम जैसे आम लोगों के घर में इतनी सारी खुशियां आ पा रही है सर। तो जस्ट ये सर एक सिस्टम का चेंज है और कुछ नहीं, यहाँ ऐसा भी नहीं कि कंपनी कुछ हाथ में दे सकता है, और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा समीर मोदी सर का, क्योंकि वो तो उनका तो ट्रेडिशनली में बहुत सारे ब्रांड है, वो चाहेंगे तो किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को ले सकते हैं, मगर उन्होंने चुना विनोद बारिक को, तो विनोद बारिक का सेलिब्रिटी बन गया और 4 लाख कमा रहा। थैंक यू सर फॉर दिस नाइस आंसर। तो दोस्तों अभी चलते मुबारक जी के लिए, और एक आखिर आंसर है मुबारक जी के लिए। मुबारक जी आप ये बताए कि ये सवाल आया है कि ऑफलाइन मेरा छोड़ के चला गया, मैं क्या करूं, ऑफलाइन मेरा छोड़ के चला गया मैं क्या करूं। सर बहुत बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब मैं बहुत आसानी से दे सकता हूं। मैंने जब मोदी केयर शुरू किया था तो मुझे एक अपलाइन ने ज्वाइन कराया था, और अपलाइन ने ज्वाइन कराने के बाद 1 या 2 महीने बाद वो मुझे छोड़ के चला गया। 1-2 महीने काम करने के बाद उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर मोदी केयर का जो हमारा एक शुरुआत के जो 10 स्टेप टू आजादी है वो बहुत काम आते हैं। उसका पहला जो कदम होता है, पहला जो स्टेप होता है, उसमें लिखा होता है अपलाइन स्पोर्ट चार्ट तैयार कर। अपलाइन स्पोर्ट चार्ट में साफ साफ बताया जाता है कि आप अपने से ऊपर कम से कम 3 से 4 एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को नंबर लिख के रखो और उनके टच में रहो। जैसे उसने मुझे छोड़ा और मेरे पास तो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन ऐसे थे कि संतोष कुमार यादव, विनोद सर, चित्रंजन सर, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और मैं चलता रहा इस रास्ते पे, और चलते चलते मैं क्राउन डायमंड डायरेक्टर पद तक पहुंचा। बहुत सारी अचीवमेंट मैंने की, लेकिन जिसने मुझे छोड़ा था वो बताना नहीं चाहूंगा, शाम को ड्रिंक करता, पूरी रात भर सड़क पे पड़ा रहता, आज उसकी कंडीशन ये है। तो उसने मुझे छोड़ के बहुत अपने लिए बहुत बुरा किया, अपने बच्चों के लिए बहुत बुरा किया, क्योंकि उसने अपने खुद का फ्यूचर खराब कर लिया। तो अपलाइन से नहीं चलता है, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से चलता है,
अगर आपके साथ एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है तो हम उसका अगर हाथ पकड़ लेते तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते। तो सर जहां लोग कल छोड़ के जाए वहां आज छोड़ के जा सकते हैं, अगर आपके पास एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है और हम आसानी से सफल हो सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मुबारक जी। थैंक यू मुबारक जी। दोस्तों ये सवाल जो भी पूछे ना मैं आपको बता दूं, ये प्रमोद आचार्य का 12 अपलाइन भी काम छोड़ दिए थे, फ्री में स्टैंड लिया, राइट। अगर आपके अपलाइन पास में छोड़ के जाते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई ना कोई जैसे मुबारक जी बताए ना वो सपोर्ट चार्ट से पता चल जाएगा। जैसे मुझे पता चला कि मेरा पूरे धीमान जी है, सुरेखा जी है, इस तरह आपको कोई ना कोई मिलेगा मदद करने के लिए, डोंट वरी अबाउट इट। चिता सर आपके लिए आखिर सवाल है। सर चिता सर आपके आखिर सवाल है कि अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर शुरू करूं तो कौन सा कंपनी चूज करूं, कौन सा कंपनी ज्वाइन करूं? जैसे हर लोगों का ये पसंद है, मैं मेरा बेटा को अच्छी तरीके से पढ़ाना चाहता हूं तो एक अच्छा टीचर के पास, मेरा केस है मैं तो अच्छा वकील के पास जाता हूं, मेरा कोई डिजीज है मैं अच्छा डॉक्टर के पास जाता हूं, गाड़ी खराब है तो अच्छा मैकेनिक के पास जाता हूं। तो हर लोग चाहते हैं अच्छे अच्छे अच्छे, तो मैं भी चाहा मेरा, मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ना चाहता हूं वो कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, वो कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है और इसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कैसा है, फिर उसके साथ साथ जिस प्लान के थ्रू हमको इनकम मिलेगा वो भी कैसा है, वो अनलिमिटेड है कि नहीं। अभी आजादी प्लान अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड इनकम हम कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज है इधर का माहौल कैसा है, इधर का पीपुल कैसे है, ये कंसेप्ट को लेके मैंने फिर खुद जाके मैंने मोदी केयर के साथ जुड़ा। मेरे को कोई बोले नहीं लेकिन मैंने खुद जाके जुड़ा, क्योंकि ये सारी चीज को मैंने मैंने एग्जाम किया, उसके बाद आके मैंने मोदी केयर में साथ को जोड़ा। और इसके साथ आज मैं देख रहा हूं ये 6 साल के अंदर सब कुछ अच्छा हो रहा है और जिस कंपनी ये पिछले 4 साल के अंदर 10 गुना बढ़ा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, और हर दिन जितने लोग जुड़ रहे हैं हर कंपनी में, आज जितने भी कंपनी में इतने लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो ऐसे कंपनी में हमको जुड़ना चाहिए जो कंपनी फास्ट ग्रोइंग है, जो कंपनी अच्छा रिजल्ट देता है, अच्छा पेआउट देता है, अच्छा प्रोडक्ट है, हर चीज में अच्छा है और सबसे बढ़िया चीज है अच्छा एजुकेशन देता है, अच्छा माहौल देता है, अच्छा बिहेवियर सिखाता है, एक आदमी को अच्छा मनुष्य कैसे बनाया जाता है। इधर तो मैं बोलूंगा ये आदमी कैसे अच्छा होंगे इधर सिखाई जाता है, पैसा तो कमाते हैं लेकिन एक एक अच्छे लोग बनते हैं इधर, और दुनिया ऐसे अच्छा बनने के लिए ये अच्छा कॉन्सेप्ट और अच्छा कंपनी के साथ मैंने जोड़ा और सारे लोगों को मैं ये चीज बताता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया आप जवाब दिए। अच्छा संतोष जी अभी आपके लिए सवाल आया है आपके लिए सवाल ये है कि ये जो मोदी केयर मीटिंग में बार बार क्यों ज्वाइन करूं, एक बार तो दो बार मीटिंग में बैठ लिया, मैं तो वही परिवर्तन देख लिया है कि ऑफलाइन को सुन लिया, मैं क्यों बार बार मीटिंग में आऊं, मीटिंग क्यों ज्वाइन करूं? सर ये मेरे लिए बहुत अच्छा सवाल है और मेरे टीम में भी ऐसा होता है और मेरे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वही परिवर्तन है, वही शुरुआत है, वही डेमो, वही नील पानी है, क्यों करूं? तो मेरे पास तो कई आंसर है सर, लेकिन एक मैं हिंदी पढ़ रहा था बहुत कक्षा 9 या 10 में है, एक दोहा है उसमें लिखा गया था कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल्पे पड़त निशान। एक रस्सी में इतनी ताकत हो जाती है कि वो पत्थर पर निशान डालता है, लेकिन शर्त यह है कि वो लगातार उसको घिसा जाए। हम लोग सचिन तेंदुलकर इसलिए बना कि वो लगातार क्रिकेट ही खेला, कभी वो फुटबॉल खेलता, कभी वो स्विमिंग करता, तो आज क्रिकेट का भगवान नहीं बनते। और आज सुरेखा मैम अगर 1,27,00,000 महीना कमाती तो वही परिवर्तन करती हैं। ये मेरे समझ में तो आ गया था सर, कुछ मेरे साथ लीडर को समझ में आ गया और समझ जाने के बाद लीडर फाइनेंशियल फ्री हो रहा है, कार से चल रहा है, अपनी जिंदगी बदल रहा है। सर आपकी ट्रेनिंग में एक मैंने देखा था कि आपने एक लेंस वाला एग्जाम्पल दिए थे कि कागज पे अगर हम लेंस को एक लगातार फोकस के साथ वहीं रखें, इधर उधर ना हिलाएं, तो उसमें आग लग जाती है। तो अगर मुझे आग लगाना है, दुनिया में अपनी पहचान बनानी है, अपने नाम बनाना है, तो आपको लगातार वही काम करना है जिसमें आप पारंगत हो जाएं। वो काम है हमारा यही मीटिंग, परिवर्तन, शुरुआत, रफ्तार, इसके अलावा कुछ भी नहीं है और बड़ा कम है, इसलिए लगातार करना चाहिए। मैं वही करता हूं सर। और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये सवाल जो पूछे मैं तो उनका नाम आज नहीं बताऊंगा, बस यही बताना चाहता हूं, जैसे रोज नहाते हो, रोज सोते हो, रोज खाना खाते हो, इसी तरह कभी तो घर में नहीं पूछो कि मैं इतना दिन क्यों, इतना हर दिन क्यों खाऊंगा, हर दिन क्यों नहाऊंगा, हर दिन क्यों सोऊंगा,
अरे यार अगर जिंदगी में अमीर बनना चाहते ना, लाखों करोड़ में कमाना चाहते ना हर साल, तो दोस्तों आपको हर मीटिंग अटेंड करना होगा, हर चीज आपको सीखना होगा, राइट। तो दोस्तों चलते फिर संजय सर आपके लिए आखिरी क्वेश्चन है, अभी आपके लिए आखिरी क्वेश्चन है संजय सर की, ये क्या चेन बनाने का बिजनेस है, वो क्या लिखे मेरा तो समझ में नहीं आया, हम लोग कहाँ, ये क्या चेन बनने का बिजनेस हम कहाँ से लाएंगे लोग, इस तरह को सवाल पूछे सर, संजय सर आपके लिए। सर ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत मेरे लिए सूट करता है, क्योंकि अगर मैं बर्बाद हुआ था फेरी वाला बना था तो वही चेन बिजनेस के लिए ही बना था, तो वो उसमें कुछ पैसा लगा के वो जोड़ते जाते हैं, फिर नीचे नीचे जोड़ते जाते हैं, जब टूटता है तो पूरा आग लगता है, जिंदगी बर्बाद हो जाता है, इसलिए लोग डरते हैं कि कहीं ये भी तो ऐसा ही बिजनेस नहीं है। लेकिन ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जिसमें आप पैसा ही नहीं लगाते हैं, और आज संसार में जितने भी बड़े लोग बने हैं वो सारे के सारे इसी नेटवर्क से ही बने हैं, और जो नेटवर्क नहीं बनाता है वो बड़ा नहीं बन सकता है। और जैसे कि मैं भी जिस संगठन से जुड़ा हूँ वो ब्रह्मा कुमारी संगठन है, गांव से लेके आज 136 कंट्री में है, यानी ये जो नेटवर्क ही काम करता है, और जियो नेटवर्क है जो आज इतना बड़ा बेनिफिट देता है, यानी ये जो जुड़ने का काम है, मैं तो कहता हूँ कि ये जोड़ना अच्छा चीज है, अगर किसी को जोड़ करके उसका लाइफ चेंज कर देते हैं, और दुनिया में होता है तोड़ करके, किसी का ऊपर पांव रख के आप आगे बढ़ोगे, यहाँ तो दूसरों को जोड़ करके उसको आगे बढ़ा के आप आगे बढ़ते हो, यानी दूसरों को जोड़ करके नेटवर्क बना के अगर इनकम करते हैं और कंज्यूमर एक नेटवर्क बनाते हैं तो ये अच्छा बात है, और यही अच्छा काम डिवाइन काम मैं मानता हूँ, यही करना चाहिए। और सबको जैसे कि मेरे को मेरे ऑफलाइन ने बताया कि देखो एक ट्यूशन सर एक ट्यूशन करता है तो कितना कमाता है, अगर वो एक छोटा सा नेटवर्क बनाता है कोचिंग सेंटर करता है तो उसमें कितना ज्यादा इनकम होता है। तो मैं यही सोच रहा था कि एक एक अब अगर है नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं या चेन जो शब्द है वो खराब के लिए यूज होता है, लेकिन एक्चुअली ये शब्द होना चाहिए कि एक संगठन कंज्यूमर संगठन नेटवर्क। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों आपका टाइम हो गया, सिर्फ और एक लास्ट सवाल एक बचा है, और ये सवाल स्पेशली विनोद जी के लिए है, विनोद बारिक जी सवाल आए हैं। अब विनोद जी अच्छा सर दो सवाल है, और एक सवाल है कि अवंती मैडम, पहले अवंती मैडम को पूछ लेता हूँ मैंने, अवंती मैडम एक सवाल है आपके लिए, अगर एक कंपनी बंद हो गया तो, मोदी का बंद हो गया तो। यस सर एक्चुअली राइट, आप राइट बोले, अगर कंपनी भाग जाता है तो हम क्या करेंगे। राइट सर, कंपनी भाग सकता है, मगर कौन सा कंपनी भाग जाता है। एक्चुअली सर लोगों से कुछ लेता है, मतलब लोगों से कुछ पैसा लेता है, और चिट फंड जैसे कि मनी सर्कुलेशन वो भाग जाता है, लेकिन यहाँ पर कंपनी भागने का कोई चांस नहीं, क्योंकि कंपनी ने करोड़ करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और यहाँ पर जैसे कि कंपनी ऑल ओवर इंडिया में 10,000 से ज्यादा स्टोर है, और हर स्टेट में जैसे कि हर स्टेट में 2-3 वेयर हाउस है, और हर स्टेट में ऑफिस, और करोड़ करोड़ का स्टॉक। तो कंपनी इसीलिए हमने दिया क्या, कंपनी इतना सारी इन्वेस्टमेंट किया तो इसीलिए कंपनी का लगा, लेकिन हमारा क्या लगा, तो कंपनी क्यों भागेगा। कंपनी भागने का कोई चांस नहीं, मगर लोग भाग सकते हैं, लेकिन कंपनी कभी नहीं भागेगा, इतना करोड़ करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और ऑलरेडी मोदी केयर को 25 साल पूरे हो चुके हैं, एक इतना बड़ा रिलायबल तैयार हुआ है, तो कंपनी भागने का कोई चांस नहीं सर, मगर लोग भाग सकते हैं, लोग भाग जाते हैं, लेकिन कंपनी कभी नहीं भागेगा। कंपनी खुद का नुकसान क्यों चाहेगा, इतना सारी इन्वेस्टमेंट किया है तो खुद का नुकसान नहीं चाहेगा। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, इतना थैंक यू, बहुत ही बड़ा बार ब्यूटीफुल आंसर, बहुत ब्यूटीफुल आंसर। दोस्तों अभी विनोद जी थोड़ा आपकी रिक्वेस्ट है, थोड़ा आखिर सवाल आपके लिए है, कि लोगों ने बोलते हैं कि पीपल टेल फॉल्स कमिटमेंट अबाउट द इनकम दे डोंट गेट सो हाई इनकम, या कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोगों की ये कहना है कि ये लीडर लोग कभी कभी झूठ बोलते हैं, इनकम जितना नहीं मिलता है उसको उसके बोलते कि नहीं उससे ज्यादा कमाते करके, इसके लिए सर आप क्या बताएंगे। राइट सर, तो थैंक यू, ये क्वेश्चन मेरे से अच्छा कोई नहीं बोल सकता शायद, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे साथ ये ऑलरेडी हो चुका है। मेरा भी सर नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं भी ऑलरेडी मोदी कार से आने से पहले 1-2 बार मैं फेल हो चुका था, तो वहां मैं सुनता था यही बात, लाखों रुपए का इनकम, और शायद आपको अगर याद हो जिस दिन मैं आपके ऑफिस में बैठा था, राइट, उस दिन मुझे भी, मैं एक्चुअली आपने तो बोला नहीं था, मगर मैं इंटरनली ये समझ कर जा रहा था कि कोई बड़ा लीडर है तो 100% वो ऐसा बोलेगा कि विनोद तू लाखों में खेलेगा करोड़ों में खेलेगा, ये बोलेगा जैसे लोग बोलते हैं।
मगर उस दिन आपने जो एग्जांपल दिया था जो 100 रुपए, मैं गया था तो 25 से 30 हजार इनकम करने के लिए, मगर आपने 100 रुपए समझाया था, और वही 100 रुपए से आपने एक बहुत बढ़िया चीज बोला था जो कि मेरा आज तक याद है कि अगर ये टर्नओवर बढ़े तो बहुत बड़ा इनकम हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका टर्नओवर कितना बढ़े, कस्टमर बेस कितना बढ़ सकता है। तो 100 रुपए इनकम मैंने सीखा और इस 100 रुपए को ज्यादा लोगों के पास पहुंचा और इनकम बढ़ा हुआ। मगर अगर रियल अगर कैलकुलेशन की बात सर करूं, आज अमेरिका की बात करें और कोई सारा विकसित देश जो डेवलपिंग कंट्री है, अगर 10 करोड़पति वहां से लें तो 10 में से 1 करोड़पति वही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से होता है, और मोदी केयर का स्थिति भी वही है। और अगर सर मैं अपना बात बोलूं तो सर शुरुआत में तो मैं बहुत खराब अवस्था से स्टार्ट किया था, मगर आज अगर बोलूं तो मेरे पास तो प्रूफ होता है कि मैं कितना इनकम करता हूं। आपसे कई बार गाली भी सुन चुका हूं कि हमेशा इनकम दिखाता रहता हूं, तो ये इनकम दिखाता रहता हूं सर। टीडीएस रिपोर्ट की गवर्नमेंट का अगर बात करूं जो टीसीएस 26A, तो उसके रिपोर्ट के हिसाब से लास्ट ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर है वो बोलता है कि 41 लाख मोदी केयर मेरे अकाउंट में क्रेडिट किया है सर। तो यहाँ पर लाखों रुपए का इनकम हो सकता है। नहीं सर, सवाल ये था कि कुछ लोग फॉल्स कमिटमेंट करते हैं कि मेरा इतना मिलता है, एक्चुअली मिलता नहीं, उतना लोगों ने बोलते उतना मिलता है। राइट सर, ये तो अलग अलग स्टेज पे है, गलत गलत एग्जांपल लोग देते हैं, राइट। मगर हम चाहते हैं कि हम एक प्रैक्टिकल कंपनी के साथ हैं, आपके गाइड और मेंटरशिप के साथ हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोग झूठ बोले अपना प्रोफाइल छुपाने के लिए या प्रोफाइल बढ़ाने के लिए झूठ बोले, मगर मोदी केयर में तो सर ये एक्चुअल रियल है। यानी ये क्या बोलना चाहे लोगों को ना बोलना नहीं चाहिए 100% सर, जो आपने मुझे बोला था कि मगर मैं तो वही समझ कर आया कि 100 रुपए के बारे में बताना चाहे, और मैं एक्चुअली वही जो बात आपका था, अगर उस दिन भी आपने मुझे अगर लाखों रुपए का बात बोला होता शुरुआती में तो शायद मैं मोदी का डिसीजन इतना सीरियसली ना लेता, मगर आपने जो समझाया कि 100 रुपए इससे आ सकता है तो वो मेरा डिसीजन लेने में एक आप बोल सकते हैं 20-30% उसका प्रेशर था कि आपने मुझे एक रियल फैक्ट बताया कि इतना हो सकता है। नहीं सर, उनका जो सवाल था कि जो फॉल्स कमिटमेंट लोगों ने करते हैं क्या करना चाहिए? नो सर, सच बोलना चाहिए इनकम के बारे में, किसी भी तरह का फॉल्स कमिटमेंट सर नहीं करना चाहिए, जो रियल है उसको बताना चाहिए। थैंक यू सर। सर अभी अभी एक राजेश तिवारी जी एक साहब अभी फोन किए हैं, या सभी मैसेज दिए हैं मुझे, डायरेक्ट मैसेज दिए हैं कि इतना तो दुनिया में कंपनी है और हम लोग मोदी केयर में क्यों ज्वाइन करें। वो भी देखिए राजेश जी, आपको तो जवाब दे चुके हैं चित्तरंजन महांती जी, फिर भी चित्तरंजी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आखिर में और दोबारा भी सुना दीजिए, शायद वो सुने नहीं होंगे, कि अगर इतना कंपनी है तो हम लोग मोदी केयर में क्यों ज्वाइन करें। चित्तर जी बता दीजिए प्लीज। जो कंपनी के साथ हम जुड़ रहे हैं, ये कंपनी 25 साल से पहला इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का कंपनी है, IDSA का कंपनी है, और उसके साथ साथ ये कंपनी का जो प्रोफाइल है, बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। 400 रुपये में शुरू हुआ था 1933 से, आज ये इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिए और इतना बड़ा टर्नओवर के साथ 70,000 करोड़ का टर्नओवर के ये कंपनी के साथ हम जुड़ेंगे, क्योंकि कंपनी का प्रोफाइल बहुत बड़ा है। पहला सुगर फैक्ट्री से आज कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिए। दूसरा चीज है, जो प्रोडक्ट हम यूज करेंगे जीवन भर तक, जो प्रोडक्ट यूज करेंगे इसके गारंटी क्वालिटी और जो अफोर्डेबल प्राइस, ये हमको अच्छा लगता है, जो हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो भी सही है। और जिस कंपनी के साथ हम काम करेंगे इसका जो इनकम है ये बहुत बड़ा इनकम है, आज करोड़ रुपया हर महीना भी कमा सकते हैं लोग। और सबसे बढ़िया चीज है ये जो माहौल है, ये जो सिस्टम है और ये जो ट्रेनिंग सिस्टम है, ये सारे चीज अच्छा लगेगा, क्योंकि अच्छे लोगों को अच्छा चीज जरूरत है और आप सारे लोग अच्छे हो और दुनिया को अच्छा बनाना चाहते हो तो ये अच्छे कंपनी के साथ हम जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको थैंक देना चाहता हूँ चित्तर जी, आपका टीम को, विनोद जी, विमल जी, संतोष जी, मुबारक जी एंड संजय जी, हलधर जी, अवंती मैम, शोभा मैम, आपको रियली बहुत बहुत शुक्रिया। आज सच में मैं आज सच बताता हूँ, आप लोग की जवाब सुन के ना मैं इतना खुश हो गया, कितना बहुत शुक्र खूबसूरत आप जवाब दे दे लोगों को। लोगों ने देखो मैं दोस्तों मैं आप लोग को यही बताना चाहती हूँ, जो भी मन में सवाल है ना, जब फील्ड में काम करना शुरू करेंगे हर सवाल के जवाब आपको खुद को अंदर से मुंह से आ जाएगा कि ये सवाल की जवाब ही होना चाहिए। जैसे हम लोग बचपन में झूठ बोलते थे ना, जैसे अंदर से आता था ये झूठ के बाद क्या बोलूंगा, क्या ये सवाल का जवाब क्या होगा, तो इसी तरह जब आप काम करेंगे कि सच्चे दिल लेके काम करेंगे, फोकस होकर काम करेंगे, हर सवाल की जवाब आपकी अंदर से आएगा। डोंट वरी अबाउट ऑल दीज थिंग्स क्वेश्चन। सो दोस्तों सवाल ही आना बहुत नेचुरल है,
अभी तो आप एक तो ये बार सुने आप पार्ट थ्री का सुने क्वेश्चन आंसर, फिर कभी मैं आपको पार्ट फोर क्वेश्चन आंसर बुलाऊंगा, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा आप लोगों के सामने और बहुत भी अच्छे अच्छे लीडर आपको बताएंगे, राइट। तो थैंक्स बोलना चाहते हो सुशांत जी को, विमल जी को, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप थोड़ा मदद की। एंड आई गिव थैंक्स टू ऑल GBD RBD ऑल व्यूअर्स ऑल लीडर्स ऑल गेस्ट। सो दोस्तों भगवान करे आपकी जिंदगी में हर खुशी मिले, और नेक्स्ट गुरुवार रात को 8 बजे मिलते हैं हम लोग वन ऑफ द डायनामिक मैन और VP सेल्स फ्रॉम साउथ एंड ईस्ट मिस्टर सुब्रत करजी, वो उनको सुनने के लिए मौका मिलेगा नेक्स्ट थर्सडे। तो रात को 8 बजे तक इंतजार नहीं करना दोस्तों, आपको 7:45 तक कनेक्ट करना है, नहीं तो आपको फ्री एंट्री नहीं मिलेगा यहाँ जूम में कनेक्ट करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल लीडर्स, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। हाय नीलम जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल क्राउन्स, राइट, मैं थोड़ा आपके साथ पर्सनल मिलना चाहता हूँ जस्ट ये मीटिंग के बाद में कैंसिल करके, फिर मैं आप लोगों के साथ मिलना चाहता हूँ। ऑल माय क्राउन्स, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।